द मैजिकल जिंदगी। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुत्रदा एकादशी व्रत। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सभी एकादशी व्रत की अपनी महत्वता होती है और इसी तरह पुत्रदा एकादशी भी महत्वपूर्ण है। इस व्रत को बच्चों की कुशल मंगल कामना के लिए किया जाता है तथा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के दिन धूप दीप कमल या वैजंती पुष्प गंगा जल पंचामृत नैवेद्य मिठाई नारियल सुपारी आंवला बेर अनार आदि जैसे ऋतु फल से भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को आप निर्जल और फलाहार दोनों तरह से कर सकते हैं तथा व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सही मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मण भोज करवा कर यथा संभव सोना तिल भूमि गाय फल छाता जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आज हम आपको पुत्रदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा बताते हैं, जिसे व्रत करने वाले को जरूर सुनना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी पौष पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ने सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, अतः तुम ये कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती पुरी नामक एक नगर में राजा सुकेतु मान राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी शेव्या था। कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, अतः राजा तथा रानी दोनों इस बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे। रानी निसंतान होने के दुख से शोकाकुल रहने लगी। साथ ही राजा भी पुत्रहीन होने के कारण बंधु बांधव राज्य हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बिना पुत्र के पितरों तथा देवताओं से ऋण मुक्त नहीं हो सकते। राजा के पितर भी यह सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर उन्हें तर्पण कौन करेगा तथा उनका पिंडदान कौन करेगा। राजा इस चिंता से भी अधिक दुखी थे कि उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें कौन अग्नि देगा। इस चिंता के कारण एक दिन वे इतना दुखी हो गए कि उनके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई, किंतु वे सोचने लगे कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः उन्होंने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबे तथा चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वे अत्यंत घने वन में पहुंच गए। कुछ समय के पश्चात अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी, अतः वे पानी की खोज में वन में अधिक भीतर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं तथा बहुत से मुनि वहां वेद पाठ कर रहे हैं। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होते हुए अपने घोड़े से नीचे उतरकर सरोवर से पानी पिए तथा अपनी प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया तथा उनके सामने बैठ गए। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया तथा बोले कि राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्व देव है तथा सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से पांचवे दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा कोई पुत्र नहीं है,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अतः आप भी इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया तथा अगले दिन द्वादशी को पारण किया एवं ऋषियों को प्रणाम करके पुनः अपनी नगरी आ गया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई तथा 9 मास के पश्चात रानी ने एक तेजस्वी सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने पर यह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक राजा बना। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं, तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्णा।